पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की उपचुनाव में बुरी तरह पराजय को लेकर एक बार फिर ईवीएम और प्रशासन को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि कई जगह ईवीएम में छेड़छाड़ की गई और प्रशासन ने भाजपा कार्यकर्ता की तरह कार्य किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मानधाता और नेपानगर जैसी सीट में कांग्रेस की स्थिति अच्छी थी, फिर भी वहां कांग्रेस की हार हुई जिसकी वजह ईवीएम में छेड़छाड़ थी, इसकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने हार का ठीकरा ईवीएम प्रशासन पर फोड़ते हुए कहा कि आज भी अमेरिका जैसे देशों में ईवीएम का उपयोग नहीं किया जाता है। अब दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रशासन ने भाजपा के कार्यकर्ता की तरह कार्य किया। उन्होंने कहा चुनाव लोकतंत्र और नोट तंत्र के बीच था और नोट तंत्र की जीत हो गई, लोकतंत्र हार गया। अब समस्या ये परे है कि दिग्विजय भारत की तुलना अमेरिका से सिर्फ ईवीएम को लेकर ही क्यों करते हैं, विकास को लेकर क्यों नहीं करते। मैंने आपसे कहा कि चुनाव लोकतंत्र और नोट तंत्र के बीच में है, जनता और प्रशासन के बीच में है। नोट तंत्र जीत गया, लोकतंत्र हार गया। आखिरी मौके तक आप लोग कहते रहे कि हम जीतेंगे। निश्चित तौर पर जनता हमारे साथ थी, है आज भी। सर डबल डिजिट भी नहीं छूट पाई कांग्रेस पार्टी। देखिए इसमें मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि आज क्या कारण है कोई भी विकसित देश ईवीएम मशीन क्यों नहीं यूज कर रहा, मुझे बताइए। आज यूएस का राष्ट्रपति चुनाव इसी हफ्ते हुआ है। कांग्रेस पार्टी में सुन लीजिए, वहाँ कुछ स्टेट्स में काउंटिंग अभी भी चालू है, जिसमें चिप लगी है वो टेम्पर प्रूफ नहीं है। मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूँ और ये सेलेक्टिव रूप से ये लोग करते हैं। अब आप मुझसे कहेंगे सब मध्य प्रदेश में 2018 में कैसे जीत गए, राजस्थान में कैसे जीत गए, जो हमारा अनुमान था उससे कम थे हम जीते और सेलेक्टिव करते हैं। अब कुछ सीटें ऐसी हैं मानधाता और नेपानगर जहाँ हार्ट पीपल आई, किसी हालत में हम नहीं हार सकते, वहाँ हम लोग हजारों वोट से हार रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं कुछ सोचेंगे। कमलनाथ जी से उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे कि कल हम लोगों की विधायक दल की मीटिंग में और जितने भी हमारे कांग्रेस के विधायक के रूप में लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, उन सबको बुलाया गया, समीक्षा की जाएगी और कमलनाथ जी अभी स्टेटमेंट तो देंगे आपको। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।